फ्रेंड्स, मैं सुमित्रा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेस्ट के अड्डे पे। तो देखिए, आज अपन बनाने जा रहे हैं डोरा केक। ये डोरा केक कितने स्वादिष्ट और इतने टेस्टी है, तो ये बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। तो आप भी एक बार बना के ट्राई करके ज़रूर देखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा बना है। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए मैंने एक ये बाउल लिया है, तो इस बाउल में एक कप मैदा डाल देती हूँ। तो इसमें एक कप मैदा डाल दिया, तो उस कप से हाफ कप में इसमें चीनी डाल देती हूँ। तो ये पीसी हुई चीनी है, तो ये जल्दी मेल्ट होएगी। और इसका ये देखिए ऐसे मेल, तो ये हाफ ये कप मिल्क पाउडर डाल देती हूँ। तो चीनी आप कम या ज़्यादा आप कर सकते। तो इसमें अब मैं डाल देती हूँ एक चम्मच शहद। शहद भी आप आपके इच्छा के हिसाब से आप डाल सकते। आपको पसंद नहीं है तो आप शहद को स्किप भी कर सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो। और आपको चीनी पसंद नहीं है तो आप शहद की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो, तो इसको आप बढ़ा घटा सकते हो, आपके हिसाब से आप ले सकते हो। तो अभी इसके अंदर डाल देती हूँ वनीला एसेंस। तो आप खुशबू के लिए इसके वनीला एसेंस या आप इलायची पाउडर या और भी आप फ्लेवर कोई दे सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें डाल देती हूँ हाफ टी स्पून अपन खाने वाला सोडा। तो अब मैं ये एक कप दूध लिया है, तो ये दूध को मैंने पहले से गर्म कर लिया और गर्म करके ये नॉर्मल है, ठंडा है, रूम टेम्परेचर के। तो अभी इसमें दूध डाल के, थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको मिक्स कर लेती हूँ। दूध को एक साथ नहीं डालना है, तो दूध को थोड़ा थोड़ा करके एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए, इसमें से इतना दूध बच गया है, पूरा दूध नहीं लगा। और ये बैटर अपने को जैसे अपन केक बनाते हैं तो केक जैसा ही बैटर बनाना है। तो ये देखिए बैटर रेडी है, एक रिबन जैसा ये बनके रेडी हो गया। तो चलिए अब कढ़ाई गरम करते हैं, अपन तवे पे बना रहे हैं आज। तो ये देखिए गैस के ऊपर कढ़ाई ये रख दिया, तवा जो भी फ्राई पैन तवा अपने के पास है वो रख दीजिए। तो इसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है, ऑयल डाल के इसको कपड़े से पोंछ देना है। तो ये बार बार नहीं करना है अपने को, एक बार करने से ये तवा चिकना रहेगा। तो एक बार कर दिया। तो अब ये मैंने कप लिया, कोई भी एक ले लीजिए कप, तो उस कप से बनाना है। तो उससे बनाएंगे अपन तो एक जितना बड़ा डोरा केक बनेगा, और बड़ा और छोटा नहीं बनेगा। तो ये देखिए, एक जगह इसको एक जगह ही डालते रहो, अपने आप ये गोल बनते रहेगा। तो ये अपने आप गोल आ जाएगा आपके आकृति में। तो एक जगह ही डालना है आपको। तो ये देखिए, लो या मीडियम फ्लेम पे रखना है, तेज आंच नहीं करनी है। और इसको ऊपर से किसी भी प्लेट से और बंद कर देना है। तो मैं ये लगा रही हूँ, आप ऊपर भी इसके प्लेट या ऊपर है दूसरा इसके ढक है तो वो लगा सकते। तो इसको 40 सेकंड बाद में अपन देख। तो देखिए अपन देखते हैं, तो 40 सेकंड हो गए। देखिए कितने ऊपर से इसके अच्छा सिक्का है, फ्लप से ये आ रहा है। तो इसको अपन देख लेते। तो पहले चारों और इसके तरफ से, और अब इसको अपन धीरे से पलट देते। तो ये देखिए कितना अच्छा ऊपर से सिका है। तो नीचे से और इसको 10 से 5 सेकंड अपन सेक लेते। तो आप ये कढ़ाई ज़्यादा गर्म हो जाए
तो इसके गैस के फ्लेम को बंद भी कर सकते हैं। तो गैस के फ्लेम को बंद करके भी आप ये नीचे से सिक जाएगा, क्योंकि नहीं तो ये ज़्यादा गर्म हो जाएगी तो ये जल जाएगा। तो गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते। ये डोरा केक मैं निकाल लेती हूँ और इसी तरह अपन दूसरा डोरा केक बना लेते। तो देखिए कितना अच्छा सिक की तैयारी है, कितना अच्छा बना है। तो ऐसे ही अपन दूसरा बना लेते। तो देखिए फ्रेंड्स, इतनी देर में ये मैंने अभी तक चार बना लिए और मैं बना रही हूँ, और इतना अच्छा डोरा केक बना है और ये झटपट बनके रेडी भी हो जाता है, उसमें टाइम भी नहीं लगता है। तो देखिए कितना अच्छा सिका है और कितना अच्छा नीचे से भी ये सिका है, तो ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहे। तो आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि इसको डालते ही आपको हिलाना नहीं है। आप 30-40 सेकेंड के लिए इसको ऊपर से बंद करके रख दीजिए और फिर इसको पलटना है। तो चलिए अब अपन डोरा केक को और जैसे इसको सजा लेते, तो बना लेते डोरा केक। तो इसको डोरा केक को मैं अंदर इसके चॉकलेट सिर्फ डाल रही हूँ, तो चॉकलेट डाल रही हूँ। आप ऐसे भी इसको रख सकते, ऐसे भी आप खा सकते, ये नहीं कि चॉकलेट डालना ज़रूरी है, पर ये बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा और बच्चों को इतना टेस्टी भी लगेगा, तो आप चॉकलेट डाल के इसको बना सकते। तो देखिए आप भी एक बार बना के ट्राई करके ज़रूर देखिए, और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और आप दोस्तों के साथ आपके फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे सारे इसको शेयर कीजिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए ये इसके चॉकलेट मैंने डाल दिए, तो मैं इसको थोड़ा और लुक दे रही हूँ। आप ऐसे भी रख सकते हैं, डोरा केक को चॉकलेट से ही रखते हैं, तो मैं इस पर थोड़ी चॉकलेट ये सिर्फ और डाल दी, और इसमें थोड़ी सी टूटी फ्रूटी और डाल देती हूँ। तो ये बन गया डोरा केक। तो ये देखिए, अब मैं अकेला एक चॉकलेट के और लगा लेती हूँ, तो इसमें मैं अकेली चॉकलेट ही लगा रही हूँ। तो ये देखिए मैं आपको एक काट के भी दिखा देती हूँ। तो ये अकेली चॉकलेट वाला है, तो मैं इसको आपको काट के दिखा देती हूँ। देखिए कितना स्मूथ और सॉफ्ट है, इतना स्मूथ और सॉफ्ट केक बना है। वाओ, देखिए कितना अच्छा केक बना है, और ये देखिए कितना मुलायम केक है। तो इसी तरह आप बना के ट्राई करके ज़रूर देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए। तो खा के टेस्ट करके देख लेते हैं। वाओ, बहुत टेस्टी है।